हेलो दोस्तों, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अपने घरों में हेल्दी होंगे, ठीक ठाक होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं अपनी वीडियो। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही बढ़िया वीडियो, जो कि आप सब लोगों की डिमांड पर मैं लेकर आई हूँ। सब लोग मांग रहे थे कि मैं आपको ऐसा नुस्खा बताऊँ जिससे हमारे जो ये पीले दांत पड़ जाते हैं उसको हम मोतियों जैसा कैसे चमका सकते हैं। तो आज मैं वही वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी। बहुत ही जो है यूज़फुल वीडियो है। मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि जब आप ये वीडियो को देखेंगे और इसको यूज़ करेंगे मेरी बोली हुई टिप्स को, तो आपके दांतों में जितना फ़र्क पड़ेगा वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, क्योंकि ये जो है मेरे सारे ट्रीटमेंट्स आपको बहुत ही फ़ायदा देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी रोज़ की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके, और मेरी वीडियो को है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोग भी जो है इसका बेनिफिट ले सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारी जो पर्सनैलिटी है वो किससे डेवलप होती है? मुस्कान से, स्माइल से। जब हम हंसते हैं, स्माइल करते हैं, हमारी जो मुस्कान होती है वो हमारी एक पर्सनैलिटी का अहम हिस्सा होती है। लेकिन मुस्कुराते वक्त अगर हमारे ये पीले पीले दांत नज़र आएँ तो ये बहुत ही बुरे लगते हैं। आप सभी को मालूम है कितना बुरा लगता है। ये एक सोशल एम्बैरेसमेंट है। लोगों के सामने अगर पीले दांत दिखें और लोगों को नज़र आए या हमें वो कमेंट करके बोलें कि आपके दांत पीले लग रहे हैं, तो ये बहुत ही जो है एम्बैरेसमेंट वाली सिचुएशन बन जाती है। कभी कभार क्या होता है कि रोज़ हम लोग दांत साफ करते हैं, रोज़ ब्रश करते हैं, उसके बावजूद भी हमारे जो दांत हैं वो पीले के पीले ही रह जाते हैं। बहुत बुरे लगते हैं। बुरे लगने के साथ साथ ये बहुत ही हानिकारक भी होते हैं, बहुत नुकसानदायक होते हैं हमारे लिए, हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही जो है नुकसानदायक होते हैं। जैसे ही हमारे दांत पीले पड़ते हैं उसके साथ ही हमारे दांतों में ये मसूड़े भी जो हैं वो कमज़ोर पड़ने लगते हैं और हमारी जो लाइफ होती है दांत की वो कम होने लगती है। जैसे मसूड़े वीक होंगे तो नेचुरली दांत भी जो है हमारे कमज़ोर होते जाएंगे। ज़्यादा चाय कॉफ़ी पीने के कारण भी हमारे दांतों की सफाई ना करने के कारण ये जो टीथ की जो दांतों की प्रॉब्लम है वो जो है प्रसिस्ट करती है, वो रहती रहती है। जैसे जैसे हमारे दांत पीले पड़ने लगते हैं इसके साथ ही हमारे दांतों के जो मसूड़े हैं वो वीक होने लगते हैं, यानी कि कमज़ोर होने लगते हैं, जो कि बहुत ही हमारे लिए नुकसानदायक हैं। यंग एज में हम लोग इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं। हम कहते हैं कि कोई बात नहीं, ठीक रह जाएंगे, हम लोग देखते ही नहीं, हम लोग इसकी टेंशन ही नहीं लेते हैं अपने दांत की। फिर धीरे धीरे ये हमें नुकसान कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा जो है नुकसान करने लगते हैं। ज़्यादा चाय, ज़्यादा कॉफ़ी ये पीने के कारण भी हमारे दांत जो हैं पीले पड़ते हैं। तो हमें कम से कम चाय और कॉफ़ी पे थोड़ा सा जो है कंट्रोल करके इसको पीना चाहिए ताकि हमारे दांत जो हैं जल्दी ख़राब ना हो। दांत पीले पड़ने की वजह से हमारे मुँह में से भी स्मेल आने लगती है। हमारे पास स्टेज पे कोई खड़ा होना नहीं चाहता है, दूर दूर भागता है। फिर हमारे लिए एक और एम्बैरेसमेंट होती है, क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा कि हमारे मुंह में से स्मेल आए और लोग हमारे से पीछे पीछे भागें। इन सभी चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए आज मैं आपके लिए बहुत ही बढ़िया जो है घरेलू नुस्खा लेकर आई हूँ। दांतों में कोई भी प्रॉब्लम होती है हम लोग डेंटिस्ट के पास भाग जाते हैं, और एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट करवाने के लिए हम लोग जो है महंगी महंगी दवाइयाँ लेते हैं, क्योंकि डेंटिस्ट की जो दांतों की जो ट्रीटमेंट होती है काफ़ी एक्सपेंसिव होती है, और मेडिसिन जो है आप सभी को मालूम है हमें कहीं ना कहीं नुकसान तो पहुंचाती है। ये जितनी भी ये एलोपैथिक मेडिसिन होती हैं ये हमारे को कहीं ना कहीं नुकसान तो पहुंचाती है। तो इसीलिए क्यों ना हम कोई घरेलू उपाय करें जिससे कि हमारे दांत जो हैं बिल्कुल ठीक रहें और स्वस्थ रहें और पीले भी ना पड़े, कमज़ोर भी ना हो और बहुत ही जो है बिल्कुल परफेक्ट रहें। तो इसके लिए मैं आपको जो नुस्खा बताऊंगी ये बहुत ही पुराना नुस्खा है जो मेरे पेरेंट्स ने मुझे बताया हुआ है, और मैं ये बचपन में बहुत ही करती थी और मेरे दांत जो हैं इसके लिए बिल्कुल जो हैं हेल्दी हैं। तो ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। सरसों का तेल जो होता है बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। हम एक चम्मच जो है सरसों का तेल लें, इसमें आधा चम्मच हल्दी डालें और चुटकी भर हम इसमें डालें नमक, इसकी एक पेस्ट बना लें और उसी से हम जो है ब्रश करें या इसको अंदर बाहर सब दांतों में पूरे मसूड़ों में इसको अच्छे से लगाएं, इसको जो है अच्छे से रगड़ कर अपने पूरे दांतों में पूरे जो है मुंह के अंदर इसको अच्छे से लगाएं ताकि कोई भी जगह जो है दांत की रह ना जाए, अंदर से बाहर से साइड से सब जगह से अच्छे से लग जाना चाहिए।
इसको जो है 2 से 3 मिनट के लिए लगे रहने दें। इसकी मसाज जो है अच्छे से करें, मसूड़ों के ऊपर भी इसको जो है लगाएं, ताकि ये सरसों का तेल जो होता है बहुत ही बेनिफिशियल होता है। इसको लगाने से आपके मुंह में स्मेल भी नहीं आएगी मुंह में से, और दांत भी जो है आपके चमकेंगे, शाइन करेंगे। जो ये हल्दी होती है इससे भी हमारे दांतों में चमक बहुत आती है, और आप सभी को मालूम है कि ये एंटीसेप्टिक है, ये बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। जितने भी बैक्टीरियल प्रॉब्लम्स होती हैं उसको ये सॉल्व करती है, और हमारी बिल्कुल भी जो है इन्फेक्शन नहीं होने देती। तो ये तीनों चीज़ें, हल्दी, सरसों का तेल और नमक, ये तीनों चीज़ें बहुत बेनिफिशियल हैं। इसको दिन में 2 बार आप लगाएं इस तरह से, एक मॉर्निंग में और एक रात को सोने से पहले। रात को सोने से पहले ज़रूर इसको लगाएं, आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में इसका रिजल्ट आपके सामने होगा। हाथ से लगा सकते हैं आप इसको, टूथब्रश पर भी लगाकर आप इसको जो है 3 से 4 मिनट के लिए आप इसको अच्छे से लगा कर रखें। 3 से 4 मिनट तक इसको ज़रूर लगा कर रखें, तभी जो है इसका आपको जो है रिज़ल्ट मिलेगा। कुछ ही 2 से 3 दिनों में ही आप इसमें जो है आपको रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। अगला जो तरीका है वो है केले का छिलका। केला जो है बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, इसमें बहुत ही मैग्नीशियम होता है, पोटेशियम होता है, मैंगनीज होता है, जैसे मिनरल्स जो हैं इसमें पाए जाते हैं। तो केले का छिलका जो होता है, उसका जो वाइट वाला पोर्शन होता है अंदर से, उसको आप अपने दांतों में अच्छे से रगड़ें, अंदर बाहर अच्छे से रगड़ें। तो इससे दांतों का पीलापन ही नहीं ख़त्म होगा, बल्कि दांतों में जो है मजबूती भी आएगी। और उसके बाद जो है आप नॉर्मल जैसे रोज के रोज ब्रश करते हैं वैसे ब्रश करें। इसको हफ्ते में 2 से 3 बार ज़रूर करें, और देखें आप केले के छिलके से पीलापन आपका कैसा जो है दांतों का दूर होगा। पीलापन ही नहीं बल्कि दांत जो है आपके बहुत स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो जाएंगे। तो ये बहुत ही बढ़िया तरीका है, यकीन मानिए आप इसको ज़रूर करें, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये मेरा जो तरीका है कैसा लगा, आपको बेनिफिट इससे मिला या नहीं। तो अगला मैं आपको बताती हूँ, अगला क्या है, बेकिंग सोडा और नींबू। तो ये बेकिंग सोडा और नींबू का जो यूज़ करने का तरीका है इसको भी मैं आपको बताऊंगी। ये भी बेकिंग सोडा और नींबू भी बहुत ही दांतों के लिए जो है बेनिफिशियल होता है, लेकिन बेकिंग सोडा जो है ज़्यादा देर हमें दांतों पर लगाकर नहीं रखना चाहिए। सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं तो 1 मिनट के लिए, इससे ज़्यादा नहीं। 1 चम्मच बेकिंग सोडा लें और इसमें नींबू डालें। नींबू हम इसमें उतना डालेंगे जिससे कि इसमें जो है इसकी बेकिंग सोडा की एक पेस्ट बन जाए। तो पेस्ट हमने बनानी है ताकि हम इसको अपने दांतों में लगा सकें। तो अच्छे से उस कंसिस्टेंसी की पेस्ट बनाएं, जैसे कि बहुत ज़्यादा पतली भी ना हो और बहुत ज़्यादा गाढ़ी भी ना हो, उस तरह की हमने एक पेस्ट बना लेनी। इसको टूथब्रश पे लगाएं और अच्छे से इसकी मसाज करें। अगर हाथ से आप करना चाहते हैं तो हाथ से भी कर सकते हैं, टूथब्रश में भी लगाकर आप इसको जो है अंदर बाहर मुंह में सब जगह इसको लगाएं। इससे क्या होगा कि आपके दांत जो है बहुत स्ट्रांग भी होंगे, मुंह में से स्मेल भी नहीं आएगी, और दांत जो है वाइट भी होंगे। बेकिंग सोडा को ज़्यादा देर लगा ना रहने दें, मैं आपको फिर बोलूँगी कि 1 मिनट से ज़्यादा जो है इसको अप्लाई ना करें। 1 मिनट के बाद जो है इसको उतार लें, और उसके बाद जो है अपना आप नॉर्मल ब्रश कर सकते हैं। बेकिंग सोडा दांतों में ज़्यादा देर लगा रहेगा तो ये आपकी जो इनेमल है इसको नुकसान करेगा, नुकसान कर सकता है। तो इसलिए जो है इसको बार बार मैं आपको ये बात बोलूँगी कि 1 मिनट से ज़्यादा इसको बिल्कुल भी ना लगाएं। तो अगला मैं आपको बताती हूँ, स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी जो है बहुत ही यूज़फुल होती है दांतों के लिए। स्ट्रॉबेरी के सीज़न में आप स्ट्रॉबेरी ख़रीदें, 1 से 2 फ्रेश स्ट्रॉबेरीज लें और इसको अच्छे से मैश कर लें। मैश करने के बाद इसको दांतों में 2 से 3 मिनट तक लगातार जो है इसको दांतों में अच्छे से रगड़ें, अच्छे से इसको दांतों में लगाएं, मसूड़ों में लगाएं। स्ट्रॉबेरी लगाकर आप जो है ब्रश भी कर सकते हैं। स्ट्रॉबेरी में मैलिक एसिड नाम का नेचुरल एंजाइम पाया जाता है, जो दांतों का पीलापन दूर करने में और उसे सफ़ेद बनाने में हमारी हेल्प करता है। साथ ही स्ट्रॉबेरी में मौजूद फाइबर मुंह में बैक्टीरिया को दूर करने में हमारी मदद करते हैं। तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद और नेचुरल तरीका है दांतों को बिल्कुल सेफ रखने का। तो ये सब तरीके मैंने जो आपको बताए हैं ये बहुत ही यूज़फुल तरीके हैं, बहुत ही फ़ायदेमंद है। आपको बिल्कुल भी डेंटिस्ट के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसको लगातार करें। बचपन से ही बच्चों को ये आदत डाल देनी चाहिए इस तरह से ब्रश करने की दांतों को, ताकि हमारे दांत जो हैं स्ट्रॉन्ग रहें।
तो इस तरह से आप इसको यूज़ करें, लेकिन मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको इससे फ़ायदा मिला या नहीं। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मेरा चैनल अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। जल्दी मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।